नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत दिनों से इस बात का वेट किया जा रहा था कि ये खबर आए। ऐसी कौन सी खबर है जिसका इंतजार 12वीं बायोलॉजी के बच्चे कर रहे थे? ऐसे खबर पर आज हम चर्चा करते हैं और वह खबर है नीट एग्जामिनेशन की। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है नीट परीक्षा का आयोजन एनटीए के द्वारा किया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस तारीख पर चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी। सबसे महत्वपूर्ण बातें ऐसी कौन कौन सी है जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो देखिए कि नीट परीक्षा का जो आयोजन है वह आयोजन एनटीए के द्वारा किया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस परीक्षा में लगभग 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स अपियर हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा से संबंधित ब्रोशर को जारी होने की जो तारीख है वह नवंबर 2019 में होगी, जबकि इसके लिए जो आवेदन है एनटीए की वेबसाइट ntanet.nic.in पर 2 दिसंबर से 21 दिसंबर 2019 तक किए जा सकते हैं। इस परीक्षा के लिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन किया है वे अपना प्रवेश पत्र 27 मार्च 2020 से डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि इसकी जो परीक्षा है वो 3 मई 2020 को आयोजित की जाएगी, जबकि इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वह 4 जून 2020 को घोषित होगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इस परीक्षा में कौन अपियर हो सकता है, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो ऐसे छात्र जो बारहवीं पास हैं या ऐसे छात्र जो बारहवीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और जिनके पास पीसीबी अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अंग्रेजी के साथ हो तथा जो 50% अंकों से उत्तीर्ण किए हो, ऐसे छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान में रखें कि यदि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी ना हो, टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस इंग्लिश 50% से उत्तीर्ण होनी चाहिए या पीसीबी अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश 50% से उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर देखें तो इस परीक्षा का जो समय है वो लगभग 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और यह एक मल्टीपल बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 180 होगी और इन 180 अंकों में से लगभग 50% जो प्रश्न है वह बायोलॉजी से आएंगे, अर्थात 90 प्रश्न जो है वो बायोलॉजी के होंगे, जबकि 45 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से आएंगे, जबकि 45 प्रश्न जो है वो केमिस्ट्री से आएंगे। अर्थात बायोलॉजी से 50%, फिजिक्स से 25% और केमिस्ट्री से 25% प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर यह परीक्षा 720 अंकों की होगी। और इस परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी का मतलब यह है कि यदि आपका ऑप्शन सही होता है तब ऐसी अवस्था में आपको +4 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आपका ऑप्शन सही होता है तब ऐसी अवस्था में आपको +4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आपका ऑप्शन गलत होता है तब ऐसी अवस्था में आपके 1 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात -1 होगा। यदि आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तब ऐसी अवस्था में उसके लिए कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, एक बार पुनः पुनः तारीखों को समझ लें कि नीट एग्जामिनेशन के लिए जो ब्राउजर जारी होगा उसके
जो तारीख है वह नवंबर 2019 है, जबकि आवेदन शुरू होने की तारीख 2 दिसंबर 2019 है, जबकि आवेदन भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी जो है वो 31 दिसंबर 2019 होगी। वहीं पर आवेदन पत्र में सुधार करने की तारीख जनवरी 2020 की होगी, जबकि एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 27 मार्च 2000। नीट परीक्षा की तारीख जो है वह 3 मई 2020 को होगी, अर्थात नीट परीक्षा का आयोजन 3 मई 2020 को किया जाएगा, जिसका रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र जारी होने की तारीख भी लगभग 3 से 4 मई 2020 होगी। आंसर की जारी करने की तारीख भी 3 से 4 मई 2020 होगी, जबकि इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने की तारीख 4 जून 2020 होगी। परीक्षा घोषित करने की तारीख 4 जून होगी। दोस्तों तो यहाँ नीट एग्जामिनेशन से संबंधित मैंने बहुत ही संक्षिप्त सी सूचना आप लोगों के लिए दी है। उम्मीद करते हैं यह सूचना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, और अधिक जानकारी के लिए आप NTA की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, वहीं से आपको आवेदन भी करना होगा। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।